हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम RPFSI 5 जनवरी 2019 का Shift 1 का पेपर देखेंगे। आपका पहला सवाल है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है, किससे जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अगला सवाल है, इसमें हमने प्रीवियस ईयर का जो PDF है वो लिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय समाज के प्रसिद्ध सुल्तान थे? कहाँ के थे? गुजरात के थे। आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं। वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? बी, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। अगला सवाल देखते हैं, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? क्या है? पॉइज है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? क्या है? अफ्रीका। पहाड़ियों के निचले सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? प्लेसर डिपॉजिट। क्या कहलाते हैं? प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन के लिए। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? चंबल में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ये है मेसिन राम। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? आर एस सरकारिया। अगला सवाल है, रिले शब्द खालिस्तान से संबंधित है मतलब किससे है? रनिंग से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? कितनी? 22। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? नागालैंड। त्यौहारों से सवाल कई बार पूछे जाते हैं और आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अगर आप अनुच्छेद पे पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन। एक्सरे की खोज किसने करी थी? विलहेम कॉनराड रोएंटजेन ने। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है लघुकरण। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? श्रृंखलन। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश। आप देख रहे हैं सारे चीज़ों से सवाल पूछे गए हैं, साइंस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, आर्टिकल से, तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्ति खेल नहीं है? एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। खो खो व्यक्तिगत नहीं है, मतलब लंबी कूद एक जन खेल सकता है, स्प्रिंट मैराथन ये सभी एक व्यक्ति खेल सकते हैं, लेकिन खो खो में क्या होती है? एक टीम होती है, इसको टीम के द्वारा खेला जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? 1981-82 में। अगला सवाल है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्व समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल नीनो। क्या कहा जाता है? एल नीनो, इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। खेल से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, खेल के सारे क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल। क्या क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है।
एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्मजीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है उसका नाम क्या है? क्या है? क्लोराम्फेनिकोल। अगला सवाल है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? ITTF। क्या है? टेबल टेनिस से जुड़ा क्या है? ITTF। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है क्या है? स्ट्रोम्बोली। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने का बच्चों का एम यही रहता है कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि पिछले साल जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना इसलिए है कि ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपको आगे आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता खालिस्तान के द्वारा की गई थी? इसके द्वारा की गई थी तो मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस। बायो से भी क्वेश्चन आए हैं। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? सीधी रेखीय गति कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खलिस्तान पैटर्न में रखा गया था? रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। जो हड़प्पा सभ्यता के कस्बे थे उन्हें किस पैटर्न में रखा गया था? तो रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? 2022 तक बनाई है। ये करेंट अफेयर्स का सवाल होगा तो करेंट अफेयर्स भी आता है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो कैलोरी मीटर से मापा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो पॉलिटी ज़रूर पढ़िएगा आप। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन और बौद्ध के भी क्वेश्चन आते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपिकल्चर। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वस्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू क्षेत्र से संबंधित है। हम आगे और भी प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए लेके आएंगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वस्तुकला शैली से संबंधित है? तो मांडू क्षेत्र से संबंधित है। पेरी प्लेनेंटा अमरीकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकन कॉकरोच है। ये जैसे इंडियन कॉकरोच होता है वैसे अमेरिकन कॉकरोच भी होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश खालिस्तान जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में? ठीक है। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो मोहिद्दीन चिश्ती। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो दार्जिलिंग है, असम है, नीलगिरी है, क्या नहीं है? कश्मीर नहीं है। कश्मीर में क्या होता है? केसर होता है सबसे ज़्यादा। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 10 होती हैं। इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे तो इनको हम अलग वीडियो बना के इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आगे और भी वीडियो आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।